ये कहानी है लाखों खतरनाक मांसाहारी चूहों की जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खा जाते हैं। इस मूवी का नाम है रेड डिजास्टर। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि वो उसकी कभी भी नहीं सुनती है और कल वो कुछ बुरे लड़कों के साथ घूम भी रही थी। जिसके बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है और चारों तरफ लोग एक अजीब तरह के वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर छोटे जानवर। जिसके बाद हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इस आदमी का नाम सुख होता है, लेकिन सुख को ये एक आम बात लगती है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर साइड वाली पटरी पर एक और ट्रेन आ जाती है। पर इस ट्रेन को देखकर ट्रेन का स्टाफ बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। पर अनाउंसमेंट से पता चलता है कि किसी इमरजेंसी होने के कारण ये ट्रेन यहाँ पर आ गई है और ये इमरजेंसी बहुत खास होती है। हालांकि ये बात किसी को भी पता नहीं होती है कि ये किस चीज की इमरजेंसी है, पर इस सब के बावजूद भी आम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स वहाँ पर जाते हैं और वो यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इस ट्रेन के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था और इस ट्रेन में से सारे पैसेंजर्स गायब होते हैं, जबकि इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन में इस खाली ट्रेन के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता और इस ट्रेन के पैसेंजर अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब सुख यहाँ पर ट्रेन में अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट को छोड़कर कहीं और बैठ गई होती है। अब सुख को अपनी बेटी दिख जाती है जो कि एक आर्मी मैन के साथ बैठी होती है। अब सुख यहाँ पर अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुख की बेटी इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके फादर नहीं है एंड वो उसे परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद गार्ड्स सुख को पकड़कर एक दूसरे डिब्बे में डाल देते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी पहले से बैठा है और उसे चूहे खा रहे हैं। जिसके बाद ये गार्ड्स उस आदमी को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही लोग उसे टच करते हैं वो सारे चूहे इन पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को ट्रेन की छत पर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसके बाद उनमें से एक आदमी चूहों को शांत करने के लिए अपनी छड़ी को एक वेंट पर मारता है, लेकिन जैसे वो ऐसा करता है वो वेंट टूट जाती है और उसके अंदर से हजारों चूहे बाहर आ जाते हैं। और ये कोई साधारण चूहे नहीं होते, ये साधारण चूहे से 20 गुना तेज और खूंखार होते हैं जो किसी भी आदमी को जरा सी देर में खा जाए। और अब ये सारे चूहे पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस घटना के बारे में एक आदमी को पहले ही पता था क्योंकि उसे पता होता है कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और वो उससे बचने के लिए ही यहाँ पर आया होता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि इस ट्रेन पर भी चूहों ने हमला कर दिया है तो गार्ड्स की मदद से यहाँ से भागने लगता है। वहीं सोम को भी अपनी बेटियों की चिंता होने लगती है तो वो उस कंपार्टमेंट का ताला तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है। लेकिन इसी बीच वो सभी पैसेंजर्स को अलर्ट करता है कि वो चूहों से सावधान रहे क्योंकि अब तक वहाँ पर चूहे नहीं पहुँचे थे। उन्होंने अब तक सिर्फ पिछले डब्बों पर हमला किया था, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उनके हंसते हंसते ही वहाँ पर बहुत सारे चूहों का हमला हो जाता है और उनकी हंसी मौत में तब्दील हो जाती है और बचे हुए इंसान वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो हिस्सा अभी सुरक्षित होता है। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो यहाँ से बचकर भाग रहा था। दरअसल ये सभी आर्मी ऑफिसर्स का हेड होता है जो इस ट्रेन में बैठे होते हैं। और अब ये आर्मी हेड ये सोचता है कि अगर वो सबकी जान बचाएगा तो खुद मर जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए वो ये फैसला करता है कि ट्रेन के पीछे वाली बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया जाए ताकि आगे का हिस्सा सुरक्षित हो जाए। और अब इस ट्रेन के कंपार्टमेंट अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर चूहों से बचते हुए अगले कंपार्टमेंट में कूद जाते हैं ताकि वो इन चूहों से बच सके। लेकिन बाकी के आगे के बचे हुए पैसेंजर्स ये देखते हैं कि जिन लोगों पर इन चूहों ने हमला किया है उन्हें एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म वाला होता है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है। लेकिन तभी सुम कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत आसान इलाज है। वो बताता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशनों बाद एक स्टेशन आएगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ से हमें इसकी मेडिसिन मिल सकती है। लेकिन इस बात के लिए कुछ लोग हाँ कहते हैं और कुछ लोग ना कहते हैं, क्योंकि जो बचे हुए लोग होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाए। वो चाहते हैं कि ट्रेन बिना रुके बस चलती जाए क्योंकि शायद वो जिस भी जगह पर जाए वहाँ पर चूहों का हमला हो सकता है। और इन सब का लीडर वो आर्मी हेड होता है और अब एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे फैसला होता है कि उस हॉस्पिटल में जाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को एक दूसरे कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है
अब कुछ स्टेशनों बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल है। अब उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है जो ये मेडिसिन लाएगा, पर उनके साथ सुम का जाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसे ही मेडिसिन की जानकारी होती है। अब ये लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा शहर बंजर बन चुका है, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हैं। अब ये लोग मरे हुए लोगों के बीच से निकलते हैं और आगे देखते हैं कि एक छाया वाली जगह में हजारों चूहे बैठे हैं, लेकिन उनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इन्हें एक ऐसे रास्ते से जाना होता है जो अंधेरे से भरा होता है। तो इसीलिए ये एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ पर लगातार धूप आ रही हो, पर थोड़ी ही देर में बादल सूरज को ढक लेते हैं और ये चूहे चारों तरफ हमला कर देते हैं। अब ये सभी लोग इन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनके दो आदमी मर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर छुपा हुआ होता है और उसके बेटे को एक चूहे ने काट लिया था, लेकिन सुख उसे बताता है कि उसके पास इसका इलाज है। तो वो आदमी उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सारी दवाइयाँ रखी होती हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने पर इन्हें पता चलता है कि ये चूहों का घर है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अनगिनत चूहे हैं और अगर उन्होंने हल्की सी भी आवाज़ की तो ये चूहे इन्हें जरा सी देर में मार देंगे। लेकिन वही ट्रेन के अंदर सभी लोग ये कहते हैं कि वो लोग अब वापस नहीं आएंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जो लोग उनके साथ होते हैं उन्हें एक अलग कंपार्टमेंट में बंद कर दिया जाता है, पर तभी एक औरत पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है जिससे वहां पर चूहे हमला कर देते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सुम उस दवाई तक पहुंच जाता है और उन दवाइयों को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वापस जाते हुए उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है जिसकी वजह से सारे चूहों का ध्यान सुम पर चला जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से बहुत तेज भागते हैं, पर सैकड़ों चूहे इनके पीछे होते हैं। लेकिन आगे इन्हें एक जीप मिलती है जिसकी वजह से ये उस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग काफी सारे पैसेंजर्स की बॉडी को देखते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन पर चूहों ने हमला कर दिया होता है। पर तभी यहाँ पर सुम की बेटी दरवाजा खोलती है और यहाँ पर सुम अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इसी बीच फिर से रोशनी कम होने लगती है तो सभी चूहे इनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट करके सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे छूट जाता है जिसे चूहे खा जाते हैं। अब उन सभी लोगों को मेडिसिन दी जाती है जो इन्फेक्टेड होते हैं, पर तभी ट्रेन को यहाँ पर रोकना पड़ता है क्योंकि आगे की पटरियों पर एक दूसरी ट्रेन गिरी होती है। तो ट्रेन के सभी लोग उस ट्रेन के डिब्बे को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। वहीं चूहे पर सेकंड किलोमीटर की रफ्तार से इनके पास आ रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। वो अपने पूरे शरीर पर एक्सप्लोजिव बांध लेता है और चूहों के पास पहुंच जाता है। अब जैसे उस पर हजारों चूहे चढ़ जाते हैं, वो आदमी अपने एक्सप्लोजिव को फोड़ लेता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कई हजार चूहे मरते हैं। अब ट्रैक तो क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब भी एक प्रॉब्लम होती है। ट्रेन की पटरी एक दूसरी तरफ स्विच होती है जहाँ पर आगे जाने पर एक बहुत गहरी खाई होती है, इसीलिए सुख पटरी को बदलने के लिए एक लीवर को खींचता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, सुख को लीवर दबाए रखना होगा और वो ऐसा ही करता है जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है और ट्रेन सही सलामत आगे निकल जाती है। लेकिन सुख ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाता और यहाँ पर उसकी बेटियाँ उसे देख रही होती है जो कि कहती है कि ट्रेन को रोक दो, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि ट्रेन को मत रोको और सुख यहाँ पर रुक जाता है, जिसके बाद ट्रेन यहाँ से चली जाती है और हजारों चूहे सुख पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और सुख की बेटियों के दिल में सिर्फ अपने पिता की याद रह जाती है और उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आती है कि तुम्हें उस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए जिसके साथ तुम हमेशा रहती हो। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेड डिजास्टर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।